जवाहरलाल ने प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव का पंचकुला से किया शुभारंभ। विभिन्न जिलों से साइकिल रैली को किया गया रवाना। एक अप्रैल से शुरू होगी प्रदेश भर में गेहूं की खरीद। उप मुख्यमंत्री ने कहा किसानों की फसलों का एक एक दाना एमएसपी की पर खरीदेगी सरकार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा सरकार 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जलापूर्ति के लिए वचनबद्ध। इस साल पानी के 3 करोड़ कनेक्शन देने का रखा लक्ष्य। और प्रदेश भर में कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी। फरीदाबाद में 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा देने वाले 8 नए केंद्र किए जाएंगे स्थापित। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत, आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वे कल शाम वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है। आयुर्वेद मानव जीवन के कई पहलुओं पर केंद्रित है और इसे सही अर्थों में बृहद मानव विज्ञान कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में आयुर्वेद के लिए कार्य कर रहे लोगों की सराहना की और कहा कि इन लोगों की लगन और अथक प्रयासों से संपूर्ण मानवता को लाभ होगा। आयुर्वेद टेक्स केयर ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स, इट इंश्योर्स गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। आयुर्वेद कुड राइटली बी डिस्क्राइब एज अ होलिस्टिक ह्यूमन साइंस। द करंट सिचुएशन प्रेजेंट्स अ राइट टाइम ऑफ फॉर आयुर्वेदा and traditional medicines to become even more popular globally. There is growing interest towards them. The world is seeing how modern and traditional medicines both are important to further wellness. स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी 16 मार्च तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने 150 लोगों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो शहर के विभिन्न चौराहों से गुजरती हुई लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से ऐसे लक्ष्य रखे हैं जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे होंगे, जिसमें मुख्यतः आवास योजना के तहत प्रत्येक परिवार का अपना घर और किसानों की आय को दोगुना करने जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन लक्ष्यों को जल्दी ही प्राप्त कर लिया जाएगा और प्रदेश का बजट भी इन्हीं लक्ष्यों के अनुसार ही पेश किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत से ऐसे लक्ष्य तय किए हैं जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर होंगे, विशेष तौर पर सबके लिए आवास की योजना, इसी प्रकार किसानों की आय को डबल करना। ये ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं, ऐसे जो गोल हैं जो उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। मैं हरियाणा में भी ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज ही हमने अपना बजट प्रस्तुत किया है, उसके माध्यम से जितने भी इस प्रकार के लक्ष्य रखे गए हैं उनको सबको हम पूरा करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ की गई प्रदर्शनी को प्रदेश भर में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में लगाया जाएगा। और हमने आज सुबह चंडीगढ़ में एक एग्जीबिशन की लॉन्च करवाई। ऑनरेबल गवर्नर पंजाब ने इसको लॉन्च किया और अभी हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन पंचकुला में जो है यहाँ इसको लॉन्च करेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा और श्री रतनलाल कटारिया यूनियन मिनिस्टर। और ये देश भर में है, हम हरियाणा में और एग्जीबिशंस लगवाएंगे। हमारा जो बेसिकली है कि जो स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस करेगी हर फंक्शन में हम लोग प्रेजेंट रहेंगे।
रबी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने मंडी स्तर की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। रबी फसलों की खरीद दो चरणों में शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करेगी और जौ, चना व दालों की MSP पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी। अगर किसी मालवाहक ने 48 घंटे में मंडी से फसल का उठान नहीं किया तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने रबी की फसलों की खरीद को लेकर खरीद प्रक्रिया से जुड़े उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने, किसानों व आढ़तियों को किसी प्रकार की समस्या न आए और समय पर उठान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसानों का जे फॉर्म कटने के 48 घंटों के भीतर किसानों के खातों में फसल की राशि पहुंच जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने वाले किसानों की गेहूँ, सरसों, जौ और दाल चने की फसल का एक एक दाना प्रदेश सरकार द्वारा MSP पर खरीदा जाएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जलापूर्ति के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 3,80,00,000 ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन की आम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए शेखावत ने कहा कि 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में स्वच्छ जल पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घरों तक पानी की आपूर्ति का दायरा 1.5 साल में 17% से बढ़कर 37% हो गया है। मिशन के उद्देश्यों की सराहना करते हुए शेखावत ने कहा कि इस साल पानी के 3 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि हम हरियाणा को 2022 तक हर घर नल से जोड़ देंगे। जिले के छछरौली ब्लॉक के अधिकारी ने बताया कि इसके तहत ब्लॉक में पहले चरण में 55 गाँवों को चयनित कर वहाँ हर घर नल लगा दिए गए हैं। दूसरे चरण का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण एरिया में हर घर को नल से स्वच्छ जल मिले, जिसका टारगेट 2024 रखा गया था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यह लक्ष्य हरियाणा के अंदर 2022 तक करने का निश्चय किया है। उसी टारगेट को पूरा करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2024 तक एक भी गाँव इंडिया में ऐसा नहीं होगा जहां पर टूटी ना हो और पानी की व्यवस्था ना हो, पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2022 तक हर एक गांव में ये स्कीम लॉन्च कर देगी और ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर टूटी कनेक्शन और पानी की व्यवस्था ना हो। हमारे छछरौली ब्लॉक में, छछरौली सब डिवीजन में 105 पंचायतें थी। पहली कैटेगरी में हमने करीब 55 विलेज हमने कवर कर दिया, हर एक गाँव में टूटी लगा दी गई। लाभार्थियों ने बताया कि पहले हमें घरेलू कार्य के लिए काफ़ी दूर से या हैंडपम्प से पानी लाना पड़ता था, जिसमें हमारा काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन जब से गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लगा है, तब से पानी की समस्या का समाधान हो गया है। पहले हमें बहुत परेशानी थी जी, दूर दूर से बच्चे पानी लेके आते थे, अब हम खुश हैं, पानी स्वच्छ आता है जी, हमारे परिवार के सब खुश हैं और हम धन्यवाद करते हैं। टूटी लगने से ना बहुत फायदा हुआ है कि तो काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता था, तो उससे मैं थोड़ी दिक्कत आती थी, प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए सारी अब थोड़े शांति है, थोड़ी खुशी मिली है, सुख मिला है जो पानी। हैंडपम्प से काम किया करते थे, उसमें हमें दिक्कत आती थी, तो फिर हमने ये क्या कहा टूटी लगवाई, 2 महीने हो गए जी। जी इसमें खर्चा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने फ्री में लगाई है ये। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,09,73,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 96.82% और मृत्यु दर 1.40% है। पिछले 24 घंटों में 19,957 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कल रिकॉर्ड 20,53,537 लोगों को टीका लगाया गया है। देश में अब तक 2,82,00,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर
268,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 97.86% और मृत्यु दर 1.12% है। कोविड 19 टीकाकरण के दृष्टिगत फरीदाबाद में जल्दी ही जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे चलने वाले 8 नए कोविड 19 वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिन पर किसी भी समय वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। वहीं फरीदाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर बुजुर्गों में भी काफ़ी उत्साह है और वे बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रणदीप सिंह पुनिया ने बताया कि जिले में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 46 दी गई है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा देने वाले केंद्रों में 4 सरकारी और 4 निजी केंद्रों को शामिल किया जाएगा। 40 साल से ऊपर का वो व्यक्ति जो 20 निर्धारित की गई उन बीमारियों से पीड़ित हैं, उन लोगों का जो रुझान है वो काफ़ी सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। हमारे को संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे कल 3,444 लोगों को टीका लगा है और मुझे आशा है कि कल हमारे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में 26 सेंटर स्थापित हो पाए थे और प्राइवेट में 27 स्थापित हो पाए थे। आज हमने 46 सेंटर तो गवर्नमेंट सेक्टर में स्थापित कर दिए हैं और 31 से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्थापित कर दिए हैं। कोविड 19 टीकाकरण के बाद बुजुर्गों ने वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हुई। उसके 10 मिनट बाद में फिर जो है टीके को पहुंच गए, वहाँ टीका लग गया। टीके के बाद उन्होंने कहा आधा घंटे आप बैठ जाएं, तो इस समय तो मतलब सब ठीक है, कोई फीलिंग ऐसी नहीं है कि परेशानी हो। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और उनकी टीम के लिए जिन्होंने इतना एफर्ट किया है और आगे भी हम तो यही उन सबके वो करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और टीकाकरण कराए। महसूस अच्छा हो रहा है मुझे और कोई परेशानी नहीं है इसमें, है ना। लगाओ तो बहुत चीज़ ऐसी शंका रहती है जिन्होंने क्योंकि वैक्सीन लगवाई होगा वो होगा, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट लगा रही है तो आदमी अभी सचेत भी नहीं हो रहे इस बारे में, तो अभी तो फ्री लगी है और आगे हमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। सोनीपत के उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर धरनारत किसानों की स्वास्थ्य जांच नियमित रूप से जारी है। आज 58 किसानों की थर्मल स्कैनिंग की गई और मास्क भी बांटे गए। उपायुक्त पूनिया ने धरने पर बैठे किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी मास्क का प्रयोग अवश्य करें, कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत बचाव संबंधी उपाय अवश्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि धरनारत किसानों को जरूरी दवाइयों के वितरण के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव का पंचकुला से किया शुभारंभ, विभिन्न जिलों से साइकिल रैली को किया गया रवाना। एक अप्रैल से शुरू होगी प्रदेश भर में गेहूं की खरीद, उप मुख्यमंत्री ने कहा किसानों की फसलों का एक एक दाना MSP पर खरीदेगी सरकार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा सरकार 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जलापूर्ति के प्रति वचनबद्ध, इस साल पानी के 3 करोड़ कनेक्शन देने का रखा लक्ष्य। और प्रदेश भर में कोविड 19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी, फरीदाबाद में 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा देने वाले 8 नए केंद्र किए जाएंगे स्थापित। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।